हेलो एवरीवन आप सबका वेलकम है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाए हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आए हैं और प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत सारे लोग आज हजारों लोग हमसे जूम और यूट्यूब पे कनेक्टेड है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग कौन लेकर आता है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो हमारा एजुकेशन चैनल है ये हमारा ये सारी ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं बट मेरे पीछे बहुत लोगों का हार्डवर्क है मेहनत है जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप तक लेकर आता है क्योंकि हार्वेस्ट कहता है जब आप लर्न करते हो तो ही तो लाइफ में पैसा आता है हमारा एक फेसबुक का पेज है इस पेज को आप लाइक करें कंपनी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस पेज के थ्रू आपको पहुंचाती है जैसा हम सबको पता है बहुत सारे ब्रांड्स हमारी कंपनी लेकर आई है हमारे पास छह हाई क्वालिटी ब्रांड्स है हम बहुत दिनों से एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन के सारे ब्रांड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इंडिया ग्रो की भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है आज जो हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का जो ब्रांड है आयुर्वेदा की गुडनेस पे ये हम सबको पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमने आयुर्वेदा जो सबसे पुराना साइंस साइंस है है मेडिकल उससे हमने इसको कोलैबरेट किया है और हमने एक न्यू रेंज निकाला है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस जिसमें हमने एक रेम के बारे में भी स्टडी किया आज की जो पूरी ट्रेनिंग है वो हम सेवन फिफ्टी फाइव तक खत्म करेंगे बिकॉज आठ बजे आज मोदी जी का एक होने मैसेज होने वाला है तो शार्प इलेवन एट आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे तो बात करें इसके पीछे नारायण सर का बहुत बड़ा हाथ है इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका जितना एक्सपीरियंस है शायद कुछ लोगों की एज भी नहीं होगी 45 इयर्स से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है डाबर हिंदुस्तान लेवर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्होंने वर्क किया है और नारायण सर का साथ है इसी वजह से एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्नेशन मिला है पहला ऐसा मेड इन इंडिया आप कह सकते हैं जिसको एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लेकर आई है और अपने लॉन्चिंग के जस के जस्ट इयर्स अंदर ये रेकोगेशन मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एक छोटा सा वीडियो है इसका। Personal care, sports nutrition, wellness—all a part of good health and more. ये हमें रिकॉग्निशन मिला है जो हमारा ये एलिमेंट्स वेलनेस जो ब्रांड है ये आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है आज इसी ब्रांड के हम दो प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है वुंड हीलिंग क्रीम एंड आपका चंपी ऑयल आज इस दोनों के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे तो पूरा कंसंट्रेशन ध्यान आपका दोनों पे रखना है बात करें ये वुंड हीलिंग क्रीम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्किन होता क्या स्किन हमारी बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है जैसे अगर आपको याद होगा लिवर में मैंने बताया था लिवर हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है तो सबसे पहला बड़ा ऑर्गन क्या है जिसको हम स्किन जिसको हम त्वचा कहते हैं आपकी जो स्किन है उसको बहुत सारे लेयर्स होते हैं उसकी बहुत सारी परतें होती है बोला जाता है स्किन जो है हमारी बॉडी में एक प्रोटीन छोड़ता है जिसको हम कहते हैं डिफेंसिव बाहर से जब भी कोई इंफेक्शन कोई कीटाणु हमारी बॉडी पे हमला करते हैं हाई टेम्परेचर होता है या मॉइस्चर नमी ज्यादा होती है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये डिफेंसिव लेकिन इसके बाद भी हमारे बॉडी में कभी कटना जलना ये सब लगा रहता है होता क्या है जब आपकी बॉडी पे कोई कट होता है इसको आज हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जैसे आपकी बॉडी में कोई चोट लगती है आपने देखा होगा वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है दर्द क्यों होता है बॉडी आपको एक सिग्नल दे रहा होता है कि वहां पे चोट लगी आपको ध्यान देने की जरूरत है जैसे वहां पे चोट कहीं लगती है जैसे आपने इस फोटो में देखा यहाँ पे चोट लगी है जैसी चोट लगी है वो एरिया जो होता है वो ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है उसमें बॉडी उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा खून भेजता है क्योंकि आपके खून में क्या है डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स वो क्या है बॉडी के सोल्जर्स है सिपाही है वो लड़ने का काम करते हैं और आपके खून को बंद करने का काम प्लेटलेट्स करता है तो ये प्लेटलेट्स और डब्लू बी सी आपके खून में होते हैं वहां पे बहुत बड़ा रिएक्शन होना स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तब आपका खून जाकर बंद होता है आपने देखा होगा कहीं पे कट लग जाता है वो एरिया जो होता है वो स्वेल हो जाता है वहाँ पे सूजन हो जाता है स्वेलिंग हो जाती है वहां की जो कोशिकाएं जो सेल्स डैमेज हुई होती है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होती है और आपका जो वुंड है वो क्लोज हो जाता है और आपने देखा होगा कहीं पे चोट लगता है तो उस जगह का जो स्किन का कलर होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है और कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाता है तो ये बहुत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बट मैंने आपको बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया है तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है लेकिन अगर मार्केट के प्रोडक्ट की हम अगर बात करें तो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं मतलब जो कीटाणु है उसको मारने का काम करते हैं लेकिन जो हमारी मेन प्रॉब्लम है तो जसद है इसके ऊपर एक चीज़ पे मैं आपको बात करूंगी इसमें हमने हस्म का यूज किया है इसमें प्योर जिंक मिलता है मतलब इसका जो जिंक होता है वो साइज में इतना अच्छा होता है कि बॉडी उसको बहुत ही आसान तरीके से एब्जॉर्व कर लेती है ये एक आयुर्वेदिक मिनरल बेस्ड मेडिसिन आप कह सकते हैं जो हमें जिंक सप्लीमेंट देता है जैसा आपको मैंने न्यूट्रीलाइज में भी बताया था जब हमारी बॉडी में जिंक प्रोसेस होता है वो भी स्लो होता है तो रोज इलेवन एमजी जिंक की जरूरत होती है तो ये क्या करता है खून को बंद करने का काम क्लॉटिंग करने का काम करता है और जो एक्सेस ब्लड जो आपका कटने से जो निकल गया है उसको भी रोकने में मदद करता है तो जिंक जो है वो आपका जो पूरा जो हीलिंग प्रोसेस होता है मतलब कहीं पे चोट लग गया वहां की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है उसको भी रिपेयर करता है सूजन को भी कम करता है जो टिश्यू डैमेज हो गए उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है वो क्या है आपको कोई कट लग गया खून बह रहा है खून बह रहा है मतलब वहां की जो नसें हैं वो भी डैमेज हो गई तो नसों को भी अच्छा रखने में बिल्ड करने में मदद करता है तो कैल्साइन जो जसद है वो इस तरीके से काम करता है ग्रीत कुमारी जिसको हम एलोवेरा भी कहते हैं एलोवेरा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हजारों सालों से यूज हो रहा है क्योंकि इसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी माना जाता है आपके जख्मों को बंद भी करता है जो एरिया है जख्म का उसको कम करता है वहां पे जो टिश्यू जो एरिया डैमेज हो गया है उसको फिर से बनाने में मदद करता है और जो खुले मुंड है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये एक मेडिसिन जैसा काम करता है आपकी जो स्किन है उसको हीलिंग प्रोसेस को अच्छा रखने के लिए वहां पे कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है।, जैसे आपने देखा जो होता है वो कम होने लगता है तो जो उसमें एलोवेरा है वो आपकी कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है आपकी जो सेल्स डैमेज हुए उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है मतलब पूरे हीलिंग प्रोसेस में ये एलोवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बात करें हमने इसमें एक बहुत सुपर स्टार हर्ब जो हमने डाला है वो है मैंजेस्टर बायोमेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल जर्नल में एक आर्टिकल आया था उस आर्टिकल से मैंने कुछ पॉइंट्स लिया है वो क्या है सुश्रुत जिनका नाम आपने सुना होगा जिन्होंने आयुर्वेद का सुश्रुत संहिता लिखा है वो एक स्कॉलर माने जाते थे आयुर्वेद में उस टाइम पे उन्होंने सुश्रुत संहिता में एक चीज लिखी थी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड वेसल होता है जिसमें खून जा रहा है वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता इसीलिए डायबिटिक पेशेंट का जो जख्म होता है या कोई गुंड होता है वो अच्छे से भरता नहीं है और टाइम लगता है भरने में तो मंजिस्टा क्या करता है उसके गुंड के जो भरने के प्रोसेस है उसको एक्सलरेट कर देता है मतलब बढ़ा देता है और आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट का गुंड जल्दी भरता क्यों नहीं है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं खून में जब शुगर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होता है तो उस इंफेक्शन को कम करता है स्वेलिंग को कम करता है और स्किन को नॉर्मल करने में मदद करता है आपको याद होगा हमने ब्लड प्योरिफायर में भी मंजिस्टा डाला था क्यों ब्लड प्योरिफायर में मंजस्था इसलिए डाला था क्योंकि वो ब्लड प्योरिफाई जैसा भी काम करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है और अगर कोई दाग धब्बे है उसको भी लाइट करने में अच्छा करता है तो अगर कोई दाग धब्बे है तो उसमें भी आप ले सकते हैं अगर आपको कोई पिंपल की वजह से या कोई एक्ने की वजह से कोई स्कार हो गया आपने देखा होगा कभी किसी को पिंपल हो जाता है तो दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी कम करता है कोई दाग धब्बे है उसको भी हटाने में मदद करता है तो मंजिस्ट्रा जो है एक सुपर हर्ब है इसीलिए आयुर्वेद में बोला जाता है कि इट हैज हाँ रोपन प्रॉपर्टी मतलब हीलिंग की प्रॉपर्टी मंजिस्टा में पाई जाती है तो हमारे इस प्रोडक्ट में सुपर साहब डाला गया इसमें हमने तीन ऑयल का कॉम्बिनेशन भी डाला है जिसमें करंज ऑयल देवदारू ऑयल एंड टी ट्री ऑयल डाला गया है करंज ऑयल हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है और इसमें भी हीलिंग की कैपेसिटी होती है आपके जो जख्म है उसको जल्दी भरने में मदद करता है देवदारू जो तेल है वो इन्फेक्शन से मदद करता है एंटीसेप्टिक है कोई इंफेक्शन हुआ है उसको कम करता है और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है अगर कुछ फंगस की वजह से कुछ इन्फेक्शन हुआ है देवदारू तेल उसमें भी काम करता है टी ट्री ऑयल तो हमने बहुत सारी चीजों में देखा है आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी आते हैं जिसमें टी ट्री ऑयल है टी ट्री जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है और 2013 के एक स्टडी के हिसाब से जो जख्म बैक्टीरिया की वजह से अगर कुछ इंफेक्शन हुआ है उसको भी खत्म करने में टी ट्री ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम बात करेंगे इसमें और भी दो इंपॉर्टेंट हर्ब है दारू हल्दी और जो आपने सुना होगा एक साल ट्री होती है उसके ट्री के बगल में पेड़ के बगल में गम जैसी एक चीज लटकने लगती है उसको लिया जाता है जो रेजिन माना जाता है दारू हल्दी के बहुत सारे प्रॉपर्टी है फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है बैक्टीरियल इंफेक्शन को खत्म करता है एंटी प्रॉपर्टी है और वायरल इंफेक्शन को भी खत्म करता है दर्द को कम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके स्किन को नरिश करता है मार्केट का जब हम ऐसा बहुत सारा क्रीम लगाते हैं कहीं पे कट गया है चोट लग गया है तो उसमें इतने हेवी केमिकल्स होते हैं कि आपके स्किन को डैमेज कर देते हैं ये आपके स्किन को नरिश करता है उसको अच्छा रखता है उसको देता है उसको उसको पौष्टिक तत्व देता अच्छा रखने में मदद करता है आपने देखा होगा कहीं पे चोट लग जाता है तो वहां पे जलन होने लगती है साल ट्री का जो रेजिन है इसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है तो उस जगह को शांत करता है सूजन को कम करता है दर्द को कम करता है उसमें मन तो आपने देखा इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना वो अलग अलग छह तरीकों से काम करता है कैसे जलन है सूजन है उसको कम करेगा खून बह रहा है उसको रोक देगा एंटीसेप्टिक और एंटी इंफेक्टिव प्रॉपर्टी है इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करेगा आपकी स्किन के रिपेयर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो आपका स्किन जल्दी रिपेयर होता है और दाग धब्बों को भी हटाने में मदद करता है अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे है तो आप उस उसपे भी वुंड हीलिंग क्रीम लगा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें याद रखना है वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए वुंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा हम सब के घर में एज अ फर्स्ट एड किट ये प्रोडक्ट होना चाहिए सुपर Super, सुपरफिशियल अगर कोई इंजरी हुआ है ऊपर से कोई चोट लगा है या जल गया है उसमें आप इसको लगा सकते हैं लगाने के टाइम पे हाथों को अच्छे से धोएं हाथ पे क्रीम लें जख्म पे लगाएं घंटे पे रिपीट करें कभी भी ट्यूब को डायरेक्टली अपने जख्म पे टच मत करवाइए एक अच्छे हाइजीन को मेंटेन करना है उस पर आप बैंडेज बांध सकते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आंखों से दूर रखना है ज्यादा जल गया है तो डॉक्टर को दिखाए और डायबिटिक पेशेंट के वो को बहुत दिनों से लगा रहे बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, डॉक्टर को दिखाइए कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है इसमें याद क्या रखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जड़ी-बूटियाँ तो बहुत सारी है ऑयल भी बहुत सारे डाले गए मेन जो याद रखना है मंजिस्टा एक सुपर स्टार हर्ब है जो डायबिटिक पेशेंट के वुंड पे बहुत अच्छा काम करता है बात करें अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वुंड हीलिंग क्रीम के लिए इसीलिए बोला जाता है मंजिस्टा का जादू करे वुंड पे काबू अगला जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है ये क्यों चंपी ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मसाज के लिए बनाया गया है आज ये प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा माइड फ्रेंड क्योंकि आज इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ जो आज तक मैंने अपने पांच साल के करियर में बात नहीं किया है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको एक डिफरेंट तरीके से बनाया गया आयुर्वेद में मसाज को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है आज से नहीं हजारों सालों से बोला जाता है एक टाइम टेस्टेड चीज है अगर आप अपनी बॉडी पे मसाज करते हैं आयुर्वेद में कहते हैं जैसे ब्रश करते हैं नहाते हैं हैं आपकी बॉडी को मसाज मसाज की भी जरूरत होती है आप जब मसाज करते ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है खून अच्छे से बॉडी के हर एक भाग में पहुंचता है आपके मसल्स जो होते हैं वो टोन अप हो जाते हैं मसल्स अच्छे हो जाते हैं आपकी जो नसें होती है ना वो शांत हो जाती हैं क्योंकि आपके नसों पे हम जब मसाज करते हैं आपके जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन इंक्रीज हो जाता है आपका मेंटल अलर्टनेस मतलब आप दिमाग से बहुत अलर्ट हो जाते हैं और खास कर एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो प्रोडक्ट है वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि जो आप मसाज करते हैं आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स होता है वो आपके स्वेट के थ्रू पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है आपके स्किन को मुलायम करता है स्मूद करता है और उसमें ग्लो लेकर आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है और रात में आपको अच्छी नींद आती है बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपने देखा उनको हर दिन दिन में दो दो बार तीन तीन बार मसाज किया जाता है और बच्चे उसके बाद बड़ी अच्छी नींद सोते हैं आप जब एक अच्छा मसाज लेते हैं ना तो आपको रात में बहुत अच्छी नींद आती है इसीलिए बात करें बात करें ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है और आज नहीं पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है कि जो आपका ये मसाज का मार्केट है या जो ये स्पा का मार्केट है ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जब आपकी बॉडी खुद को रिज्यूवनेट कर पाती है आपने बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा हर जगह आपको मसाज के आपको पार्लर दिख जाएंगे जहां पे क्योंकि एक बहुत ग्रोइंग मार्केट आज ये देखा जा रहा है इसके ऊपर अगर मैं बात करूं एक चम्पी ऑयल को एक परफेक्ट आप ऑलराउंडर ऑयल कह सकते हैं जो आपकी बॉडी को ना रिज्यूमनेट तो करता ही है आपकी बॉडी को क्लिन करने का साफ करने का भी काम करता है ये एक ऐसा तेल है जिसको आप हेड टू टो आप हर जगह यूज कर सकते हैं लेकिन इस ऑयल के ऊपर कुछ खास बात है क्या इस ऑयल को खास बनाता है उसके ऊपर चार से पांच पा भी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाले उस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें जो भी हर्ब डाले गए हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसमें दस ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं। बाला कुल्ठा कंटकारी मंजस्था ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको तिल का तेल त्वाक तेजपत्र ऐसी बहुत सारी दस ऐसी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई है इंपॉर्टेंट क्या है कुछ जड़ी बूटियां पानी में घुलती हैं और कुछ जड़ी बूटियां ऑयल में घुलती हैं तो इन जड़ी बूटियों को स्पेशली चूज किया गया है इस ऑयल के मार्केट में जो ऑयल होते हैं उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां अलग अलग क्वांटिटी में डाला जाता है उनका परफेक्ट एक डोज भी नहीं होता है रिजल्ट भी गारंटी नहीं है कि आते हैं ये जो प्रोडक्ट है इसमें सारी जड़ी बूटियों को चुनकर डाला गया है तो केयरफुली चूजन हर्ब्स है इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें हमने तिल के तेल का ज्यादा यूज किया है क्यों तेल के तेल की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है मतलब अंदर जाने की जो क्षमता है वो ज्यादा देखी जाती है तो आप अगर हल्का सा गर्म करके इस ऑयल से मसाज करते हैं तो अंदर जाने की क्षमता ज्यादा होती है और हम इस इस ऑयल में हमने और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जड़ी बूटियां डाली तो सबकी खासियत को लेकर वो अंदर जाता है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलता है तीसरा बेनिफिट जो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है ये बाल खाल गाल आप बॉडी में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा मार्केट में आप जाते हैं ये आपके बालों के लिए तेल है ये आपके चेहरे के लिए तेल है और ये आपकी बॉडी के लिए तेल है ये एक ऐसा ऑयल बनाया गया है जो आप कहीं पे भी बॉडी में यूज कर सकते हैं तो अगर आप घर में लाते हैं तो किसी भी चीज में आप मसाज में हेयर ऑयल में कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक यूएसपी जो आपको इस प्रोडक्ट का याद रखना है वो क्या है इसको यूनिक तैल पाक विधि से बनाया गया है माइडर फ्रेंड ये जो अभी आपको मैं प्रोसेस बताने जा रही हूं ना मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में तैल पाक विधि नहीं मिलेगा ये एक यूनिक प्रोसेस है तो आज तैल पाक विधि को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और आपको मैं एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ जब आप आज इस ऑयल की प्रोसेस को देखेंगे ना ये कैसे बनता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस ऑयल को लेकर क्या है ये तैल पाक विधि क्या है ये भेषज कल्पना पे बेस्ड है भेषज कल्पना को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं भेषज का मतलब होता है मेडिसिन या औषधि जिसको हम हिंदी में औषधि भी कहते हैं और कल्पना का मतलब होता है प्रिपरेशन मतलब किसी मेडिसिन को बनाने का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है उसको हम भेषज कल्पना बोलते हैं उसी में एक तैल पाक विधि एक उस पर प्रोसेस बोला जाता है जो एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है मतलब धीरे धीरे उसको पकाया जाता है इसमें हम तीन चीजों का यूज करते हैं पहला जड़ी बूटियों के पेस्ट का दूसरा डिकॉक्शन डिकॉक्शन क्या होता है मैं आगे बताऊंगी और तीसरा जड़ी बूटियों के तेल का ऑयल का इसका पहला प्रोसेस क्या है पहले प्रोसेस में क्या होता है हम क्या करते हैं जो भी जड़ी बूटियां हमने इसमें डाली हैं सबको पानी में बॉईल किया जाता है आप देखते हैं जो आप किसी चीज को पानी में बॉईल करते हैं थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ देते हैं तो वो गाढ़ा होता जाता है कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है जब वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है गाढ़ा हो जाता है उसको फिल्टर कर दिया जाता है फिल्टर करने के बाद जो हमें लिक्विड मिलता है वो होता है कॉथ जिसको हम डिकॉक्शन भी कहते हैं तो ये हमारी पहली चीज तैयार हो गई डिकॉक्शन दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं अपने जड़ी बूटियों के हर्ब का पाउडर लेते हैं उसको हम दूध के साथ मिक्स करते हैं दूध के साथ मिक्स करने के बाद हमें एक पेस्ट मिल जाता है इस पेस्ट को पोटली में कन्वर्ट किया जाता है पोटली में बंद कर दिया जाता है तो हमें पेस्ट मिल गया हमें डिकॉक्शन मिल गया अब हम क्या करते हैं इस पोटली को हम अपने डिकॉक्शन के साथ मिलाते हैं और गरम तेल में उसको कुक किया जाता है तब तक कुक किया जाता है इन तीनों चीजों को तेल को डिकॉक्शन को जो हमने वो पानी निकाला था और तीसरा उस पोटली जिसमें जड़ी बूटियों का पेस्ट है इनको तब तक कुक किया जाता है जब तक वो पानी उसका पूरा रिमूव ना हो जाए उसमें से पानी निकलना चाहे और तब जो आपको मिलता है तब मिलता है आपको गो, आपका वेल जो एलिमेंट्स वेलनेस का चंपी ऑयल है वो हमें तब मिलता है जिसमें सारी जड़ी बूटियों के इंग्रेडिएंट्स की जो गुडनेस है वो हमें मिलती है और मॉडर्न जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें आपको ये सारी चीजें बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनोवेटिव तरीका है जो एलिमेंट्स वेलनेस हमारे लिए लेकर आया है बहुत सारी चीजें हैं इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं ऐसा फॉर्मूला प्रोसेस आपको मार्केट में नहीं मिलेगा आपकी मसल्स को स्ट्रांग रखता है बाल झड़ रहे हेयर फॉल हो रहा है इसको लगाइए आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे आपके जो ब्लड फ्लो है उसको अच्छा रखता है तो अगर मांसपेशियों में स्टिफनेस है मांसपेशिया बहुत कड़ी हो गई है उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है बालों में डैंड्रफ है इससे ऑयल लगाइए और उसके बाद आप अपना शैंपू कर सकते हैं तो अपना जो एंटी डैंड्रफ शैंपू है बालों से डैंड्रफ खत्म कर देता है एंटी है. से लड़ता है और आपके स्किन में जब आप उसको रेगुलर आदत बनाइए हफ्ते में दो से तीन बार अगर आप इस पर अपनी बॉडी से मसाज करते हैं ना आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा आपकी स्किन पे एक चमक रहेगी और इन्फेक्शन वगैरह जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उससे बहुत हद तक आपको ये दूर रखता है क्योंकि इसमें एंटी इंफेक्टिव प्रॉपर्टी भी डाली गई है तो इसको लगाना कैसे हल्का सा गर्म करना है बॉडी पे आप कहीं पे भी सिर पे फेस पे कहीं पे भी आप उससे मसाज कर लीजिए कहीं पे दर्द है हल्के आप उसको थोड़ा सा प्रेशर डालकर थोड़ा उस एरिया पे मसाज कर लीजिए लगाने के 30 से 60 मिनट के बाद नहा लेना है साबुन का इस्तेमाल हो सके तो मत करिए किसको देना है जितने भी लोग मार्केट में आपको दो पैर दो हाथ और दो आंखों वाले दिखते हैं ना आप सबको दे सकते हैं मतलब आप सबको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं तीन साल के ऊपर के जो भी लोग हैं ना सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पांच हजार करोड़ से भी बड़ा टर्नओवर इसका देखा जा रहा है और हर साल इसका बीस से ज्यादा ग्रोथ देखा जा रहा है आज इंडिया में लगभग सौ करोड़ से ज्यादा इंडियन को इसकी जरूरत है क्योंकि हम सब लोगों को आज रिज्यूविनेशन की जरूरत है बहुत सारे लोग मसाज या पार्लर सेंटर नहीं जा पाते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है एक एक मसाज का दो हजार ढाई हजार वहां पे पे करना पड़ता है तो ये कैसा है प्रोडक्ट जिसको आप घर बैठे अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं क्या करना है नहीं कि, कि, किस चीज पे ध्यान देना है लगाने के बाद एसी में नहीं बैठना है ज्यादा साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है आप हल्की सी लेयर अगर इसकी आपकी स्किन पे रहती है तो अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर कहीं बाहर जाना है तो आप हल्के साबुन ऑन एंड ऑन के कोई भी सोप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए है नाक कान में ये तेल नहीं डालना है तो प्लीज चीज याद रखिएगा आंखों से दूर रखना है लगाने के तीस से साठ मिनट के बाद आप नहा लीजिए स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है स्किन सोराइसिस का इन्फेक्शन है स्किन पे आपने देखा होगा स्किन सोराइसिस में बहुत गंदा इंफेक्शन हो जाता है एलोपेशिया की प्रॉब्लम है बाल जो होते हैं वो निकलने लगते हैं पैचेस बनने लगते हैं और अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है ये एक जेनेटिक म्यूटेशन वाली प्रॉब्लम है जेनेटिक है तो उसमें आपको नहीं जाना है उन सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये बोलकर नहीं देना है कि ये ले लो और उसको क्योर कर देगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या एलोपीसिया आप सजेस्ट कर सकते हैं बट किसी को क्लेम मत करिए कि ये इसको क्योर कर देगा तो इसमें आपको क्या याद रखना है दो तीन चीजें याद रखनी है पहला तैलपाक विधि से बनाया गया है तिल के तेल का इस्तेमाल किया गया है बाल खाल गाल बॉडी में कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं तो ये था हमारा चंपी ऑयल इस चंपी में है बड़े बड़े गुण तो अभी इसमें नोवेल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हर एक प्रोडक्ट में हमने नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया और हमारे सारे जो हैं वो आयुष के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं आज हम ये ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करेंगे और जो भी आज आपको ट्रेनिंग दी गई है उसकी रिकॉर्डिंग करके किसी भी सोशल मीडिया पर डालना अलाउड नहीं है तो प्लीज ये चीज ना करें तो आज की ट्रेनिंग हम यही खत्म करते हैं थैंक यू सो मच दिस वॉज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग For more business and product videos subscribe the channel now.